नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय चैनल, यहाँ पे आपको मिलती है सारी अपडेट्स पोस्टल डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। ठीक है, हमने सुना है काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई है GDS में, तो आइए हम सर्च करते हैं। सबसे पहला वेबसाइट यहाँ पे आप जो देख रहे हैं apost.in, यही है इसका जेन्युइन वेबसाइट। इसके नीचे आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सर्च करेंगे GDS का कोई भी भर्ती अगर आता है, तो सबसे फर्स्ट वेबसाइट apost.in यही वाला जेन्युइन होगा। बाकी किसी में भी आप अप्लाई करेंगे दूसरे वेबसाइट पर जाके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें हम अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, कौन सी वैकेंसी आई है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट डिस्क्लेमर यानी एक वार्निंग डिपार्टमेंट ने दे दी है। बहुत सारे लोगों को कॉल्स जाते हैं, मैसेज जाते हैं कि हम तुम्हारा भर्ती करवा देंगे, इतने पैसे दे दीजिए, उतने पैसे दे दीजिए। इस चाल में बिल्कुल नहीं फंसना है दोस्तों। ऊपर ही यहाँ पे देखिए वार्निंग दे दिया है डिपार्टमेंट ने, बिल्कुल भी इस तरह के जाल में नहीं फंसना है। कोई नौकरी नहीं करवा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा कंप्यूटराइज्ड होता है। आपका जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट बनेगा, कंप्यूटराइज्ड होगा, कोई छेड़खानी यहाँ पे नहीं होती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का साइकिल 3 का नोटिफिकेशन निकल गया है, और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको जो भी जाना है जेन्युइन वे में करना है, अप्लाई करेंगे तो आप लोगों का ज़रूर होगा, अच्छा परसेंटेज है तो होगा, दूसरे लाइन में नहीं जाना है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सी नोटिफिकेशन आई है। उत्तर प्रदेश की 4200, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4264 पोस्ट आई है, और उत्तराखंड की 581, यानी बम्पर वैकेंसी आई है। उत्तर प्रदेश दोनों हिंदी बोलने वाले रीजन हैं। एक बार आप राइट हैंड साइड में आ जाइए, इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का लास्ट डेट बताया गया है। देखिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करना और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का स्टार्टिंग डेट है 23 अगस्त से, और ये ख़त्म होगा 22 सितंबर को, यानी आपको एक महीने का टाइम यहाँ पे दिया गया है। साथ में नीचे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का नंबर, फ़ोन नंबर दिया है, कोई दिक्कत होने से आप यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए, पर वो लगता नहीं है और नॉर्मली। ठीक है, तो ये हो गई बात। फर्स्टली आपको अप्लाई यहाँ से करना है इस वेबसाइट से, सेकेंडली बिल्कुल भी पैसे के चक्कर में नहीं फंसना है, किसी का नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, आइए आप देखते हैं, किसी एक नोटिफिकेशन खोल लेते उत्तर प्रदेश का। तो ये उत्तर प्रदेश का हमने नोटिफिकेशन साइकिल 3 का खोल दिया है, यानी 2021-22 का है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती हो रही है, और इसमें दो तीन जो है कैटेगरी होती है, जैसे कि आपको पहले से पता होगा। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांच पोस्ट ऑफिस में बैठ के काम करता है। ठीक है, और ये तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होंगे वो ऑफिशियल काम होता है, और इसी में ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं, कंपटीशन इसमें हाई होता है। 2000 इसकी सैलरी ज़्यादा होती है, यानी 2000 रुपये का फ़र्क होता है दूसरों से। ठीक है, तो ये काम हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर का, और बैठे बैठे काम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमागी काम होता है, काफ़ी इसमें भी तनाव आता है। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसमें डिलीवरी भी आ जाता है, ये डिपेंड करेगा कि पोस्ट ऑफिस में क्या काम दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें डिलीवरी वगैरह वगैरह आता है। एक और होता है यहाँ पर डाक सेवक, तीसरा नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं डाक सेवक, और ये भी एक ऑफिशियल काम ही है। और सैलरी के पास आते हैं, तो सैलरी आपको बता दें, ब्रांच पोस्ट मास्टर की 12,000 बेसिक सैलरी होती है, और डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता वगैरह मिला के आप लोगों को करीब 14-15 हज़ार मिलेगा। ठीक है, वहीं हम अगर बात करें ABPM की, यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक की, 10,000 बेसिक होती है, DA वगैरह मिला के इनकी भी 13-14 हज़ार तक सैलरी पहुँच जाती है। तो ये हो गया इनका सैलरी का। ठीक है, और लेवल साइड में जो 14,500 वगैरह सैलरी देख रहे हैं, ये नहीं मिलता है अभी। ठीक है, 5 घंटे वाला काम मिलता नहीं है, 4 घंटे का जो हमने बताया वही ज़्यादातर अभी भरे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें उम्र की एलिजिबिलिटी में, एज की बात करें, तो 18 से 40 के अंदर आप होने चाहिए जनरल के लिए। SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन है, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया। PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जितने होते हैं दिव्यांग, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। PWD प्लस OBC अगर आप है तो 13 साल, और SC ST अगर है और PWD है तो 15 साल। ठीक है, पर सारी चीज़ चेकिंग करके ही होंगी, ऐसे वैसे आप नहीं भर सकते। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, आपका 10th पास होना ज़रूरी है, वो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। ऐसे वैसे कोई बोर्ड से अगर आप परसेंटेज 99 ला के दिखाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में निकाल दिया जाएगा। तो इसमें प्रॉपर कुछ रिकॉग्नाइज बोर्ड है, अप्लाई करते टाइम आप देखेंगे उसी के अंडर में आपको करना है। लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हिंदी आपके 10th में होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग की बात करें, तो 2 महीने का कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, चाहे डिप्लोमा हो, बेसिक हो, जो भी नाम से हो, 2 महीने का होना चाहिए। ठीक है,
अगर 10th में आपका था या 12th में था या ग्रेजुएशन में था तो ज़रूरत नहीं है इस सर्टिफिकेट की, फिर भी हम रेकमेंड करेंगे एक दो महीने का सर्टिफिकेट ज़रूर बना ले आप, क्योंकि अभी रिजल्ट आने में 3-4 महीने 5 महीने तक लग जाते हैं, इस बीच में आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। रेसिडेंस की अगर हम बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर को थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, अगर ऑलरेडी अवेलेबल है पोस्ट ऑफिस तो उनको वहीं पे जाके नौकरी करनी है, अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो खुद से थोड़ा बंदोबस्त करके रेंट लेना पड़ता है, ये इधर लिखा है। बाकी कुछ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको बता दें 1,00,000 रुपये का आप लोगों को जमा करना पड़ सकता है, और अगर बॉन्ड बनाए तो 4-5 हज़ार में बॉन्ड भी बन जाता है, ठीक है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका ही होता है, बाद में आप लोगों को दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1,00,000 रुपये जो लिए जाएंगे ये आपके ही होंगे, एक स्कीम में लगा दिया जाता है पोस्ट ऑफिस के। आगे हम चलते हैं, और इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है नहीं, कुछ चीज़ें यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जब अप्लाई करेंगे आप लोग, तो ये कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप लोगों को साथ रखनी होंगी, अपना नाम, फादर नेम्स, मोबाइल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी आपका क्या है, स्टेट बोर्ड वगैरह कौन, जो जो चीज़ें हैं ये ध्यान में रखेंगे। और ये वाला थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन में, ये डॉक्यूमेंट्स है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आपको कितना KB का कितना करना है, ठीक है। नंबर भी दिया है पर ये काम नहीं आता। और ये यहाँ पे है वैकेंसी लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो वैकेंसी लिस्ट है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो घर के पास है या फिर जो जहाँ जैसा आपकी कंफर्टेबल है आप लोगों को वहाँ पे भरना है। आपको कौन से जगह में नौकरी मिलेगी आपको बता दे, ना ही डिवीज़न में, ना ही HO में, ना SO में, BO नेम, ये जो BO नेम आप बीच में देख रहे हैं जो बटेश्वर BO या चमुरवा BO, इस जगह में आपको नौकरी दी जाएगी, करनी पड़ेगी। तो आप ये वाले पॉइंट को, इस वाले कॉलम को देख के अप्लाई करेंगे जो घर के पास है या जैसे भी आपको करना है, ठीक है। और ये जो BO नेम है इसमें आप लोग को नौकरी करने को मिलेगा, तो यही वाला पॉइंट आपको देख के करना है, ठीक है। बाकी कोई भी दूसरा तरीके से यानी पैसे लेके लेने देने वाले चक्कर में बिल्कुल मत फंसिएगा, लाखों लोगों का नुकसान हो चुका है, ये एक फ्रॉड है, एक जाल है, बिल्कुल इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने आपको पूरा डिटेल्स बता दिया है, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल जो करना है प्रॉपर चैनल लीगल तरीके से करिएगा। यहाँ पर आप अप्लाई करने के बाद आपका जो साउथ इंडिया में आप लोगों का रिजल्ट बनाया जाता है, CEPT कहते हैं इसको, पोस्ट ऑफिस पोस्टल डिपार्टमेंट का, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कंप्यूटराइज्ड वे में 10th के परसेंटेज के बेसिस पे जो है रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो अच्छे से अप्लाई कीजिए आप लोग, ऑल द बेस्ट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों को। बाद में प्रमोशन, इस एक बार सिलेक्शन होता है तो प्रमोशन की जिम्मेदारी